कलीसिया गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग सब भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं। इस सुबह को जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, जो आपके साथ शेयर करूंगा, वो इस हफ्ते मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणी दी है, पहले वो शेयर करूंगा और उसी भविष्यवाणी के द्वारा मैं वचन में आपको मजबूत करने के लिए दो कहानियां सुनाऊंगा शास्त्र की। और मेरा शीर्षक रहेगा समय और फासले, ठीक है। सो पहले भविष्यवाणी, ओके। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये बात याद दिलाई कि मैं एक और बार हिलाने वाला हूं, उन चीजों को मैं हिलाने वाला हूं और समयों को मैं बहुत ही फास्ट भगाने वाला हूं। हमें लगता है कि समय रुक गया है, लेकिन कई चीजें परमेश्वर अपने राज्य की वो कर रहा है, जहां पर काफी लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में लेकर आएगा। और ये इस प्रकार का मुझे याद दिला रहा था कि जैसे वो एक बास्केट होता है, एक डब्बा होता है जिसमें हम आटा डालते हैं और फिर उसे हम लोग और आटा भरने के लिए उसे हिलाते हैं और हिलाने के बाद उसमें और भरते हैं। ये उस प्रकार का परमेश्वर मुझे याद दिला रहा था कि मैं हिलाने वाला हूं और काफी लोगों को लेकर आने वाला हूं। और इस हिलाने का दूसरा भाग जो है वो भी परमेश्वर दिखा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमें लगेगा कि हम लोग हिल रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर हमें एक नई स्थितियों में लेके जा रहा है। मुझे नूह की कहानी याद आई, जब नूह को परमेश्वर ने समय में परमेश्वर ने जब बारिश भेजी थी तो उसकी जो नाव थी वो धरती पर थी, नीचे तराई पे थी, और जितना बारिश का पानी चढ़ता गया उसका नाव ऊपर चढ़ता गया और फिर अंत में उसका नाव जो था वो पहाड़ी के ऊपर पाया गया। एक नई स्थिति में, नए समयों में तुम और मैं जैसे इस समयों से गुजर रहे हैं, हमें लगेगा कि सब कुछ हिल रहा है मेरे जीवन में, एक्चुअली हम उस नाव में सुरक्षित हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें डाला है, कोई मुसीबत कोई संकट हमारे नजदीक नहीं आने देगा और परमेश्वर हमें और ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। जितनी ज्यादा बारिश गिर रही थी उतना ऊंचा नाव उठ रहा था। उसी तरह से जब आपको संकट ज्यादा लगेगा, जानिए कि परमेश्वर के मजबूत हाथ आपको और ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। आमीन। मैं शास्त्र के दो वचन पढ़ना चाहूंगा, लूक की किताब 21:26-28, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र का सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सर उठाकर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये यीशु ने लूक की किताब में कहा था। इब्रानियों की किताब में भी इसी प्रकार के हिलने के विषय में लिखा है, इब्रानियों 12:26-28 तक। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर के ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। इन दो वचनों को आप मनन कीजिए, ध्यान लगाइए, परमेश्वर आपको समझ देगा और जानिए कि परमेश्वर के राज्य में हम हैं और उसने हमें सुरक्षित रखा है। जो बातें हिलेंगी वो वही बातें हिलेंगी जो परमेश्वर के राज्य की नहीं है, और वो बातें अटल रह जाएंगी जो परमेश्वर के राज्य की है। तो आपके जीवन में आपने कौन सी बातों को जकड़ के रखा है प्रभु की, वो बातें आपको सुरक्षित रखेंगी। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के राज्य के
दो सिद्धांतों को, दो बातों को आपके सामने शेयर करना चाहूंगा और मेरा टाइटल रहेगा समयों और फासलों का प्रभु, समयों और फासलों का प्रभु। ओके, दो कहानी बताऊंगा, जॉन की किताब से ये दोनों कहानियां हैं और जॉन की किताब 2 में ये कहानी शुरू होती है, ठीक है। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आओ हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि इन दो कहानियों के द्वारा तू हमारी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह परमेश्वर, हम तेरे वचन पे मनन करना चाहते हैं, वो वचन जो हमें स्थिर करता है, वो वचन जो अनंत काल का है, वो वचन जो जीवन लेकर आता है, वो वचन जो आशा लेकर आता है, वो वचन जो परमेश्वर तेरी नजदीकियां लेकर आता है। आज इन दो कहानियों पे जैसे हम गौर करेंगे, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करना, हमें वो दर्शन देना प्रभु का, हमें वो बातें हमारे हृदय में हमें परमेश्वर उंडेलना, ताकि हम मजबूत हो जाएं और इस आने वाले हफ्ते को, आने वाले दिनों को विश्वास से जी सकें। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर, यीशु तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो अगर आपके पास शास्त्र है तो जॉन की किताब 2 को आप पढ़िए, खोलिएगा जॉन 2:6 से लेके मैं पढ़ूंगा। ये कहानी आपको बहुत फेमस कहानी है, जहां पर यीशु ने पहला चिन्ह चमत्कार किया था। ओके, अब हम पढ़ते हैं। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए, जब भोजन के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक हो जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अपना यह पहला चिन्ह, अंडरलाइन कीजिए बाइबल में, अपना यह पहला चिन्ह। अगर आप इस प्रकार की कहानी को लूक में या मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर चमत्कार शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन जॉन ने यहां पर चिन्ह करके इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैं इसका मतलब बताऊंगा क्या है, चिन्ह का मतलब क्या है, वो चिन्ह क्यों कहता है। ओके, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कहानी क्या है। कहानी ये है कि यीशु और उसके माँ और उसके शिष्य जो हैं काना नगर में गए हैं, एक शादी में उनको इनवाइट किया गया है। अब जानते हैं इस बार लॉकडाउन की स्थिति में शादियों में हम लोगों को इनवाइट कोई नहीं कर रहा है, 20-20 लोग मिलके वो लोग शादी कर रहे हैं, हम लोगों को फोटोग्राफ्स भेजा जाएगा और हम घर में बैठ के खुद मिठाई खाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष दे, है कि नहीं। लेकिन उस समय में लॉकडाउन नहीं था, वे सारे लोग इकट्ठा थे, जबरदस्त माहौल था और उस शादी के समय में दाखरस जो था वो बहुत जरूरी था। आजकल की जगह, आजकल गोवा में हम लोग वाइन देखते हैं और वहां पर उस समय का वाइन था, तो ये जो वाइन था खत्म हो गया और यीशु की मां को जल्दी से ये इत्तला मिली, उसने कहा कुछ तो करना होगा, इसीलिए तुरंत वो अपने बेटे के पास आई और यीशु से कहा तू कुछ तो कर। उसने कहा अरे मेरा समय नहीं आया है अभी तक, लेकिन उसने कहा नहीं तू कुछ करेगा। और उसने तुरंत, मरियम ने सबसे पहले उन सेवकों से कहा, सुनो यीशु जो कहता है वही करो। क्या कहा उसने? सुनो यीशु जो कहता है वही करो। और यीशु ने उन सेवकों से कहा, ये जो बाहर मटके पड़े हैं ना पानी के, इतने बड़े बड़े, इन मटकों में जब लोग आते हैं तो वहां से पानी लेके हाथ पैर धोते हैं और बाद में अपने आप को पवित्र करके अंदर आते हैं, इन घड़ों में फिर से पानी भरो। बड़े बड़े मटकों में पानी भरा। अरे भैया, दाख रस जो है, वाइन जो है, पानी से नहीं बनता, वो तो अंगूर के रस से बनता है।
लेकिन यीशु कहता है उसमें पानी भरो। पानी भरा और फिर यीशु ने कहा ये पानी ले लो और सीधे जाओ शेफ के पास, मास्टर शेफ के पास। वो लोग गए, मास्टर शेफ को दिखाया और जैसे ही मास्टर शेफ के पास दिखाया, मास्टर शेफ ने देखा, चखा और उसने कहा अरे ये तो सॉलिड है, इतना टेस्टी वाइन। और ये जो सेवक लोग थे ये लोग हैरान हो गए, हम तो पानी लेकर आए थे वहां से और ये यहां पर क्या हो गया, दाखरस हो गया, सुपर वाइन हो गया। और फिर ये बात आती है दूल्हा दुल्हन के पास, अरे आपने तो बेस्ट वाइन, बेस्ट संभाल के रखा है, लोग तो खटारा वाला सड़ा हुआ वाइन लास्ट में देते हैं, ओके, लेकिन तुमने तो बेस्ट वाला रखा है। कहानी यहां पर मैं स्टॉप करूंगा और हम इस कहानी में से कुछ बातें सीखते हैं। जॉन जिसने ये कहानी का ये इसका जिक्र किया है वो कहता है कि ये बात काना नगर में, गलील के एरिया में, काना नगर में, गांव में ये हुआ और ये पहला चिन्ह था। चिन्ह का मतलब क्या है मन में? अगर कोई बड़ा स्टार, ओके, क्रिकेट स्टार हो, विराट कोहली, वो अगर आपको एक अपना सिग्नेचर मार के देता है, सिर्फ सिग्नेचर, आप उस सिग्नेचर को देखकर किसी को भी दिखा बोल सकते हैं अरे ये विराट का है। और विराट का नाम सुनते ही आपको बड़ा सा चित्र याद आएगा, उसने किस प्रकार बहुत सारी मैच जिताई है, वो कितना बड़ा स्टार है, ये है वो है। यीशु ने जब ये चिन्ह किया तो वो कुछ समझाना चाहता था, वो एक स्वर्ग के एक दरवाजे खोलकर एक पहलू अपना दिखाना चाहता था। क्या था वो पहलू, उस पर गौर करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दाखरस बनता कैसे है। दाखरस अगर आप जाएंगे, वाइन कैसे बनता है किसी से भी पूछेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वाइन रस, वाइन जो है वो अंगूर की रस से बनता है। और अंगूर की बेल जो है वो कितना समय लेती है, तो शुरुआत करते हैं, जब आप अंगूर के बीज को डालते हो उसकी बेल बनती है और फिर उस बेल में फल आए, अंगूर आए, इसको इसको होने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं। और जब वो पहले अंगूर जो आते हैं उसका आप रस निकालकर अगर आप उसका वाइन बनाओगे तो भी 3 साल और लग जाते हैं और वो वाइन अच्छा नहीं होता। तो फिर अच्छे अंगूर आने के लिए 7 साल लग जाते हैं। फिर वो 7 साल के बाद जब वो अंगूर आते हैं, उस अंगूर का रस निकाल के उसको पैक करके रखना पड़ता है 10-15 साल, तब जाके वो बेस्ट वाइन बनता है। तो अगर अच्छा वाइन अगर चाहिए तो एक अंदाजन 15 से 20 साल का समय ले लो कि जब से वो बीज डाला गया, बेल आई, अंगूर आया, अंगूर का रस निकला और फिर उसको पैक करके रखा और फिर उसे खोला, 20 साल, 15 से 20 साल का समय समझ लो अच्छा वाइन पाने के लिए। और यीशु ने क्या किया उस अच्छे वाइन को लाने के लिए, कहां से शुरुआत की? उसने आंगन के बाहर जो घड़ा पड़ा था पानी का, उसने सेवकों से कहा पानी ले लो और उस बाहर से अंदर जाने के लिए मेरे ख्याल से 2 मिनट लगे होंगे, 3 मिनट लगे होंगे, ओके। उस 2 या 3 मिनट में बाहर से लेके अंदर मास्टर शेफ तक पहुंचने के लिए वो पानी क्या हो गया, वाइन बन गया। और ये पहला चिन्ह था, वो दाखरस बन गया, पानी दाखरस बन गया और यीशु का ये पहला चिन्ह था। क्या साबित करना चाहता था, क्या बताना चाहता था यीशु? वो ये दिखाना चाहता था कि उसको 15-20 साल नहीं चाहिए, उसे 15-20 साल नहीं चाहिए एक अच्छा वाइन लेकर आने के लिए, उसके लिए कुछ मिनटों की बात है, कुछ समय की बात है वो पानी को दाखरस बनाने के लिए। जानो कि तुम्हारे और मेरे जीवन में जो समय अब लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया है, हमारा समय बंद हो गया है, हमारे समय में कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर अच्छा दाखरस तैयार कर रहा है तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर वो अच्छा दाखरस तैयार कर रहा है। उसे आप ग्रहण करो, उसे आप लेते जाओ, पीते जाओ। इन समयों को फिर से तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये खास समय है जो परमेश्वर ने दुनिया भर में लाए हैं, जो परमेश्वर कर रहा है। उसने बाकी सारी चीजें बंद कर दी हैं,
ओके, सारी चीजें बन के रही। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, आप में से कई नौजवान स्कूल की परीक्षा के लिए वेट कर रहे हैं, या परीक्षा हो गई है तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप कॉलेज का एडमिशन वेट कर रहे हैं, अगर कॉलेज नहीं है आप सोच रहे हैं कि मैं कहां जाऊंगा, कब होगा, कब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगा, कौन सी कंपनी में जाऊंगा। आजकल तो कंपनियां भी बंद हो रही हैं। मैंने सोचा था देश से विदेश यहां वहां जाऊंगा, बड़े सपने आप लोगों ने देखे होंगे, आपको लगता होगा कि सारे सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन याद रखो यीशु की प्रभुता समयों के ऊपर है। हम मनुष्य समयों में रहते हैं, लेकिन समयों के ऊपर यीशु रहता है। वो चाहिए तो तुम्हें पीछे तुम्हारे पास्ट में लेके जाएगा, तुम्हें प्रेजेंट में तुमसे मिलेगा, और वो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा सकता है। उसके लिए एक दिन हजार साल के बराबर है, और हजार साल एक दिन के बराबर। सही है कि नहीं? तो इस वक्त जो वो कर रहा है हमारे जीवन में, अच्छा दाखरस तैयार कर रहा है, उसे करने दो, उसे ग्रहण करो, अपना ध्यान अपना मन प्रभु की ओर लगाओ, उसके वचन की ओर लगाओ, उसका आत्मा तुम्हें क्या कहता है। अगर वो तुमसे कहता है पानी भर, तो पानी भर। यीशु की मां ने कहा सेवकों से पानी भरो। सोचो सबसे ज्यादा नाचे कौन होंगे उस शादी में? दूल्हा दुल्हन नहीं, वो सेवक लोग जिन्होंने पानी भरा, पानी लिया और अंदर लेकर गए, सबसे ज्यादा वो खुश हुए होंगे और नाचे होंगे, और उन्होंने ऐलान किया होगा मैंने उस घड़े में पानी भरा। तुम्हारा और मेरा रोल उस सेवक के जैसे है। आओ अपने आप को सेवक की तरह दे दो। परमेश्वर यीशु ने जो कहा है तुम्हारे लिए, वो तुमसे कहता है ये कर, कर। तुम दुनिया की नजर में मूर्ख कहलाओगे। वो सेवक लोग जो पानी भर रहे होंगे, लोग बोलेंगे पागल आदमी है, ये तो नौकर है, ये क्या बोलते हैं, गुलाम है, ठीक है। लेकिन जानो यीशु तुम्हें उस तरह से नहीं देख रहा है। आमीन। सो अपनी नजरें उठाओ, अपनी हिम्मत को ऊपर करो, क्योंकि जानो कि यीशु का समय बहुत नजदीक है आने के लिए, और वो तुम्हें तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार देगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरी कहानी पे जाते हैं। दूसरी कहानी से पहले ना, मुझे समयों पे याद आ रहा है कि सदोपदेशक एक्लिशियास्टिस जो किताब है उसमें 3:1-9 तक जब मैं पढ़ रहा था तो उनमें समयों के विषय में लिखा है, और जब मैं वो पढ़ रहा था उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है बुरा समय चल रहा है। लोग बोलते हैं बुरा समय चल रहा है, सॉरी ये गलत है, ये गलत भविष्यवाणी अपने जीवन में कर रहे हैं। कोई बुरा समय नहीं चल रहा है, ये सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, सुंदर सुहावने फलदायी जीवन दिन हमारे लिए परमेश्वर ने बनाए हैं। एक्लिशियास की किताब सदोपदेशक 3:1-9 तक जरूर पढ़िएगा। मैं कुछ शब्द पढ़ के आपको सुनाऊंगा आपको मदद करने के लिए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय। आप इसे पूरा पढ़िए, कहीं पर भी आपको बुरे दिन का जिक्र, बुरे समय का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। सो सावधान, एक शैतान के झूठ को अपने जीवन में नहीं लेकर आए कि परमेश्वर हमारे लिए हर दिन नया अनुग्रह देता है, हर दिन वो नई आत्मा नई चीजें हमारे लिए कर रहा है, उस नई चीज को लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। आमीन। ओके, अब हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगली कहानी ये भी जॉन की किताब में है, जॉन 4:46 है, ठीक है। पहले मैं पढ़ूंगा और फिर हम इसमें गौर करेंगे। ये खास करके कहानी चंगाई के विषय में है, अब इस पर हम गौर करते हैं। यीशु एक बार फिर गलील में काना गया जहां उसने पानी को दाखरस में बदला था। फिर से काना की बात हो रही है। अब की बार कफरनूम में एक राजा का अधिकारी था जिसका बेटा बीमार था। जब राजा अधिकारी ने सुना कि यहूदियों से
यीशु गलील आया है तो वह उसके पास आया और विनती की कि वह कफरनहूम जाकर उसके बेटे को अच्छा कर दे, क्योंकि उसका बेटा मरने को पड़ा था। यीशु ने उसे कहा, अद्भुत संकेत और आश्चर्यकर्म देखे बिना तुम लोग विश्वासी नहीं बनोगे। राजाधिकारी ने उसे कहा, महोदय इसे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए मेरे साथ चल। यीशु ने उत्तर में कहा, जा तेरा पुत्र जीवित रहेगा। यीशु ने जो कुछ कहा था उसने उस पर विश्वास किया और घर चल दिया। वह घर लौटते हुए अभी रास्ते में ही था कि उसे उसके नौकर मिले, उसे समाचार दिया कि उसका बच्चा ठीक हो गया है। उसने पूछा, सही हालत किस समय से ठीक होना शुरू हुई थी? उन्होंने जवाब दिया, कल दोपहर 1 बजे उसका बुखार उतर गया था। बच्चे के पिता को ध्यान आया कि यह ठीक वही समय था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित रहेगा। इस तरह अपने सारे परिवार के साथ वह विश्वासी हो गया। अब जरूरी बात आगे, यह दूसरा अद्भुत चिन्ह था जो यीशु ने यहूदियों को गलील आने पर दर्शाया। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? यहां पर कहानी बिल्कुल साफ है। यीशु फिर से काना में गया था और वहां पर कफरनहूम से एक राजा का अधिकारी जो है, बड़ा नामचीन आदमी है, ओके, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसका बेटा मर रहा है, वो यीशु को ढूंढता हुआ काना में आया। उसे मालूम पड़ा यीशु काना में आया। काना और कफरनहूम का जो फासला है करीबन 40 किलोमीटर का है। 40 किलोमीटर आप समझ सकते हैं अपने एरिया में कितना दूर है, कितना समय लगता है। उस समय तो गाड़ियां थी नहीं, ओके, रथ होंगे ज्यादा से ज्यादा या बैलगाड़ियां होगी, ओके। तो वो राजा अधिकारी वहां पर आया 40 किलोमीटर दूर। यीशु को ढूंढा उसने, यीशु के पास विनती की, तू मेरे घर चल, मेरे कफरनहूम चल, मेरा बेटा मर रहा है। और यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखते तुम्हारा विश्वास नहीं होगा। तब यीशु ने उससे ये नहीं कहा, चलो मैं आता हूं तुम्हारे घर पर। यीशु ने कहा, जा तेरा बेटा ठीक हुआ। यीशु ने सिर्फ कह दिया और उसके पापा ने, उस राजा अधिकारी ने उसे ले लिया, कहा आमीन, यस, मैं विश्वास करता हूं, और फिर वो घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो रास्ते पर ही था तो नौकर मिले उसके और कहा, अरे आपका बेटा तो एकदम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कितने बजे से ठीक हुआ? उसने पूछा तो उन्होंने कहा, कल दोपहर को 1 बजे के बाद बुखार खत्म हो गया था। क्या कहना चाहता था, क्या उसे एहसास हुआ? उसे एहसास हुआ कि जिस वक्त यीशु के मुंह से जो शब्द निकले वही शब्दों ने उसके बेटे को पूरी चंगाई दी, और वो बहुत खुश हो गया और उसने यीशु पर विश्वास किया। उसके पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया। उसके बाद जॉन वर्स 54 में, 6वां अध्याय 54 वर्स में क्या कहता है, यह दूसरा अद्भुत चिन्ह था। उसने चमत्कार नहीं बोला, चिन्ह बोला। चिन्ह का मतलब वापस साइन, कि यीशु ने एक ऐसा काम किया, सिर्फ चंगाई नहीं की, चंगाई तो वो जाकर भी कर सकता था, लेकिन उसने जाए गए वहां पर जाए बिना उसने चंगाई की। 40 किलोमीटर दूर वो बच्चा था और यीशु 40 किलोमीटर दूर था उससे, यीशु ने यहां से कहा और उसका बेटा वहां पर ठीक हुआ। क्या जॉन क्या एहसास देना चाहता है? योहन्ना हमसे ये कहना चाहता है कि यीशु जो प्रभु है वो फासलों का भी प्रभु है। तुम एक जगह पे हो, तुम्हारे रिश्तेदार दूसरी जगह पे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार वाले दूसरी जगह पे फंसे हुए हैं, और हो सकता है बीमारी का डर आया है, हो सकता है बीमार हुए हैं। यीशु को कोई रोक नहीं सकता तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे। तुम जब यीशु के पास विनती करते हो जैसे अधिकारी ने विनती किया, यीशु का मुंह से जो शब्द निकलता है वो उसे चंगाई देगा। वो फासलों के ऊपर प्रभुता रखता है, समयों के ऊपर प्रभुता रखता है। और यही कहानी में से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यीशु ने ये दूसरा चिन्ह किया, और वो ये था कि उसने फासले उसे रोक नहीं पाए। तुम्हारे बंद कमरे
यीशु को रोक नहीं सकते तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारी विनती सुनने के लिए और वहां पर जाने के लिए जहां पर तुम, जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। विश्वास करो इस वक्त जैसे तुम उसके पास मांगोगे वो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों को चंगाई देगा। और जैसे मैंने भविष्यवाणी भी लाया है कि परमेश्वर तुम्हारे हर हमारे हर एक रिश्तेदारों को वो सुरक्षित रखना जानता है। वो जानता है कि वो तुमसे जुड़े हैं, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। आमीन। मैं गवाही देना चाहूंगा अंत करने से पहले। गवाही ये है कि आज से करीबन 18 साल पहले की बात है, जब मेरा बेटा आनंद जो है वो 4 महीने का था और ऐसा हुआ कि उसको बुखार चढ़ने लगा और उसको संडास आने लगा और संडास में उसका खून आने लगा और आनंद जैसे बेहोश के जैसे पड़ रहा था। और हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने कहा, हॉस्पिटल में भेजा, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इसको हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एक अगले दवाइयां दी अगले 24 घंटे में, फिर उसको घर पर लेकर आए, फिर उसके उसने संडास किया तो उसमें से पूरा खून बह के आया। हम लोग बहुत घबरा गए थे। लेकिन ये हादसा जब हुआ उससे करीबन 10-15 दिन पहले की बात है, मुझे बिल्कुल याद है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था कि अपने बच्चों को मेरे हाथ में थमा दो। और मैं मंजू के पास गया, मैंने कहा कि मुझे अजीब लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है पवित्र आत्मा चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में थमा दे। बेटी 2 साल की थी और आनंद 4 महीने का था। हम लोगों ने प्रार्थना किया और खास सुरक्षा हमारे बच्चों के लिए मांगी, प्रभु के हाथ में थमा दिया। और जब ये हादसा हुआ मुझे याद नहीं था कि हमने 15 दिन पहले क्या प्रार्थना की है। हम लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि अभी रात हो गई है, अगर इसका हमने कुछ जल्दी से इलाज नहीं किया तो ये खतरे की बात हो सकती है और नहीं तो हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा आपको जो ठीक लगता है कीजिए। और मंजू आनंद को गोद में लेके डॉक्टर की कार में हम लोग स्कैन करने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि रात को स्कैनिंग सेंटर बंद हो गया था। सोनोग्राफी किया, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, दिखाई दिया कि उसका एक आंतरी दूसरे आंतरी में चला गया है और अब ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा। उस डॉक्टर जो था चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना चाहता था और मैं पीछे कार के पीछे मैं स्कूटर लेके जा रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था। अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, तुमने मुझसे मांगा था, तुमने मेरे हाथ में थमाया था, अब ये समय है कि तुम विश्वास करो और तुम उसका चमत्कार देखोगे। और जैसे ही मैंने पीछे बाइक पर प्रार्थना करना शुरू किया, कहा प्रभु धन्यवाद कि ये बच्चा मैंने तेरे हाथ में दिया है, इस वक्त तेरी चंगाई उसके अंदर आने दे, मैं जैसे ऐलान करता गया क्योंकि परमेश्वर के हाथों में थमाया था। अगले 1 घंटे के अंदर जब वो दूसरे स्कैन पे गया, उस स्कैन के अंदर डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि आप आओ टीवी में देखो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्कैन के द्वारा ही हम उसे पूरी तरह से चंगाई दें। और उस स्कैन में मैंने टीवी में देखा कि वो जो एक आंतड़ी दूसरे के अंदर चली गई थी वो वापस जगह पे आ गई और उस रात को आनंद का खून बहना बंद हो गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मुझे यह कहानी आज याद आ रही है क्योंकि जब मैं इस कहानी को देखता हूं कि एक बाप ने अपने बेटे के लिए विनती की, मुझे भी अपने बेटे की विनती याद आई और मैंने कहा कि ये ठीक समय रहेगा कि आपको गवाही दूं क्योंकि ये प्रभु जो है ये समयों का प्रभु है, ये समयों के ऊपर प्रभु है, ये फासलों का प्रभु है, ये विश्वास से विश्वास को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, ये परमेश्वर मेरा और तुम्हारा परमेश्वर है। जैसे जैसे मेरे साथ ये हादसा हुआ और प्रभु ने अपनी महिमा दिखाई थी, ये प्रभु आपके जीवन में भी यही करना चाहता है। वो आपके समयों में आपको दाखरस से आपको तंदुरुस्त करना चाहता है, आपको वो खजाने से अपनी आत्मा के भंडार से भरना चाहता है, आपको विश्वास से भरना चाहता है। वो चाहता है कि तुम विश्वास करो, तुम अपने विश्वास में उभरो और प्रार्थना करो और स्वर्ग के फाटक खुलेंगे और तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। इस वक्त मैं चाहता हूं कि अगर कोई बीमार है तो क्यों ना आंखें बंद करे और मेरे साथ प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं,
मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि जैसे मेरे भाई बहन सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तूने उनके विश्वास को जगाया है प्रभु, तू उनके जीवन में चंगाई देना चाहता है। इस वक्त तेरा हाथ एक नई तरह से आए उनके जीवन में, नई तरह से प्रभु उनकी प्रार्थना को तो सुन प्रभु। कई अपने जीवन में अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पति के लिए कोई प्रार्थना कर रही है, कोई अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने रिश्ते दूर के रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये वायरस का डर उनको खा रहा है, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन परमेश्वर, चंगाई दे यीशु। तेरे नाम से मैं चंगाई का ऐलान करता हूं, और इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं इनमें से कोई बीमार है प्रभु, तेरी चंगाई उनके जीवन में आने दे। किसी के पेट में दर्द है प्रभु, चंगाई यीशु तेरे नाम से मैं चंगाई का ऐलान करता हूं। किसी की गर्दन में और सिर में दर्द है, यीशु के नाम से मैं संपूर्ण चंगाई का ऐलान करता हूं। लॉर्ड आई प्रे प्रभु, जो उस क्रूस पर आपने सारी बीमारियों को ले लिया, उसी बुनियाद पे मैं खड़ा हूं और विश्वास से ऐलान करता हूं, चंगाई हो यीशु के नाम से, चंगाई हो यीशु के नाम से, चंगाई हो यीशु के नाम से, संपूर्ण चंगाई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तू चंगाइयां दे रहा है। धन्यवाद यीशु, हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं प्रभु। धन्यवाद किसी के टांग में दर्द है प्रभु, तू उसकी घुटनों से लेके नीचे तक के पैर को पूरी तरह से स्वस्थ कर रहा है। लॉर्ड आई थैंक यू, धन्यवाद यीशु, पूरी तरह से चंगाई तू दे रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन। मैं चाहूंगा इस वक्त आपके लिए एक आशीष के लिए प्रार्थना, वो आशीष की प्रार्थना जो आपको इस हफ्ते सुरक्षित रखेगी। आमेन, आप अपनी आंखें बंद करें, चाहो तो खड़े हो जाओ, अपने हाथ प्रभु के सामने फैलाएं, आओ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं इस वक्त। प्रभु मैं उनके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूं प्रभु, तेरी मुस्कुराहट उनके जीवन में परमेश्वर चमकने देना प्रभु, उन्हें समझ में देना उन परमेश्वर की तू उनसे प्रसन्न है प्रभु, उनके विश्वास का आदर करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए कि तूने उनको हर एक बीमारी से दूर रखा है, धन्यवाद उन्हें एक्सीडेंट्स और हर एक शैतान के झूठ से तूने बचाए रखा है। धन्यवाद प्रभु तेरी लहू की सुरक्षा लगातार उनके ऊपर बनी रहने देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस वक्त जैसे जिन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए या कोई जरूरत के लिए, प्रभु तेरा फेवर उनके ऊपर लगातार बना रहे कि कोई बीमारी उनके घर परिवार के नजदीक नहीं आएगी। प्रभु मैं उनके जीवन में तंदुरुस्ती का ऐलान करता हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी का ऐलान करता हूं। लॉर्ड ब्लेस देम ओ गॉड, अब्राहम की आशीष उनके परिवारों में, अब्राहम की सुरक्षा जो तूने अब्राहम को दी थी उनके पूरे परिवार वालों में भी हो, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमेन। अगर आपको चंगाई मिली है तो उसे अपने तक मत रखें, उसको बांटें। ये बांटने का समय है ताकि लोग यीशु को जानेंगे और परमेश्वर उनको जमा करके अपने राज्य में लेकर आ रहा है। आमेन। तो अपनी गवाहियों को बांटिएगा, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, ताकि परमेश्वर आपको उसका पुरस्कार दे सके जो गवाही आपने औरों के लिए दी है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। शब्बा खैर, आपसे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।